वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई फ्लाई जर्नी। सो आज आपको इतना बड़ा स्कैम बताता हूँ मैं जो मेरे साथ हुआ, और इतना बड़ा स्कैम क्योंकि अभी हुआ नहीं था जो आज मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ब्रिकेनस्टॉक का शूज लिया था, ये ब्रिकेनस्टॉक, ये आप देख सकते हैं जर्मनी का ब्रांड है, मेड इन जर्मनी है ब्रिकेनस्टॉक, सबसे बड़ा शूज। और मेरे को ये, और मेरा ये इंसोल भी देख लो, मैंने एडिडास का इंसोल लगाया है इसके अंदर, ये ब्रिकेनस्टॉक। आप इधर देख सकते हैं मेरा ब्रांड है, 5 साल हो गए शूज को, इनका शूज पटा नहीं अभी तक क्रॉक्स का, और मैंने साल भर भी नहीं हुआ मेरे को ये शूज लेके ब्रिकेनस्टॉक, और ये फट गया दोनों साइड से। और मेरे पास इसका इनवॉइस भी, दोनों साइड के शूज। और मेरे फ्रेंड का देखो, ये मेरे फ्रेंड ने कितने का लिया, 20 रियल का, इसने अभी तक कितना साल पहना है, ऑलरेडी साल भर हो गए। मैं कितने साल से ब्रिकेनस्टॉक यूज कर रहा हूँ, 2018 से। पहले मेरे पास, मैंने सऊदी में खरीदा था, वो कितने का था, वो भी 380 रियल के आसपास था। और जो मैं अभी खरीदा मिंत्रा से मंगाया, इंडिया से मंगाया, वो मेरे को साल भर भी नहीं हुआ। मेरे पास इनवॉइस है इसकी, ठीक है। और मैं हमेशा सैफ लोगों को बता दूं, ये शूज कभी मत लेना क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है मेरे साथ। ये अब देखो, ये मेरा इनवॉइस है, ठीक है। इनवॉइस देख सकते हैं, मैंने मिंत्रा से मंगाया था, ये मेरे को पड़ा था 5,290 रुपए का, और ये जो है विदाउट टैक्स लेके 4,483। सो मेरे पास पूरा ब्रिकेनस्टॉक का इनवॉइस भी है, और ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ है मेरे साथ। और मैं किचन में हूँ फिलहाल, मैं इसके लिए बोलता हूँ हम लोगों को, मैं सजेस्ट करता हूँ कि ब्रिकेनस्टॉक शूज नहीं लेने का। आपको एक और बार दिखा दूँ ब्रिकेनस्टॉक, ये ब्रिकेनस्टॉक शूज है, मेड इन जर्मनी, और इसका इनसोल देखो, एक साल भी नहीं हुआ, 1 ईयर भी नहीं हुआ, मेरे पास का ओरिजिनल वो है, इनवॉइस है, और मैंने इसमें एडिडास का वो डाला इनसोल। ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ है मेरे साथ। तो गाइस आपको ये बता दूं कि आप ये ब्रिकेनस्टॉक नेक्स्ट टाइम आप भी परचेस मत करो, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो सकता है, और आप क्योंकि ब्रिकेनस्टॉक इतनी बड़ी कंपनी है और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो गाइस डोंट फॉरगेट, ये को वीडियो को शेयर करो, लोगों को पता चले किचन में कोई भी ऐसा शूज नहीं पहने, बिकॉज क्रॉक्स मैं देखता हूँ, क्रॉक्स अच्छा था, मैं पहली बार क्रॉक्स भी यूज कर चुका, क्रॉक्स भी मेरे लिए अच्छा था, मगर ब्रिकेनस्टॉक नेक्स्ट टाइम कोई भी परचेस नहीं करना। तो सलीम शेफ क्या बोलते हैं आज ये शूज के बारे में जो मैंने लिया? ये आपका शूज तो ये बिल्कुल बेकार शूज है, हमारा 5 साल से चल रहा है ये शू है, बहुत चल रहा शू है, 5 साल हो गया मैं अभी तक, ये देखो अभी भी नया चमका रहा है आपका शू, तो मैं भी लेने वाला था, लेकिन आपका ये कारण देख के मेरे को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस ये शू नहीं लेंगे। तो मैं सब शेफों को बता दूं कि ये शूज परचेस नहीं करना, सबसे लो क्वालिटी का, बॉयकॉट करो इसको। और मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका है मिंत्रा पे, मिंत्रा ने ऑलरेडी मेरे को ब्रिकेनस्टॉक वाले का नंबर दिया, मैंने कॉल करके मेरा फ्रेंड जो भी जिसने परचेज किया जिसके आईडी से उसने कॉल किया, पर वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे, वो लोग बोल रहे कि हम लोग को नहीं पता। अरे 5,000 का शूज है इंडियन, 5,200 कुछ का शूज है, और हाँ ये इनवॉइस है 5,290 रुपीज। सो जो इतना एक्सपेंसिव शूज, और एडिडास जो कोई भी ब्रांड लोगे तो आपको गारंटी भी मिलती है, बूटलैंड का मेरा अंकल ने परचेज किया था बहुत लॉन्ग टाइम, तो उसका गारंटी था, आपको चेंज करके मिला। ये तो मेरा ब्रिकेनस्टॉक है, तो जर्मनी की कंपनी है। सो गाइस इसको शेयर करो, लोगों को बताओ कि ये शेफ शूज कैसा है, डुप्लीकेट है, तो गाइस ये सबको शेयर करो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड।